स्मार्ट एम्पिटेट सिक्योरिटिंग निजम्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए सी डी के पी सेक्शन में हम साइकोसोशल डेवलपमेंट के बारे में देखेंगे, जिसमें हम जो कि इरिक एरिक्सन के द्वारा दी गई थी। इरिक एरिक्सन की जो थ्योरी है वो हमें सेंटर्ड कर रही थी साइकोसोशल डेवलपमेंट को, मतलब वो साइकोसोशल पर ही आधारित थी, मुख्य उनका केंद्र वही था। साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट था उन पर नहीं वो ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, वो ज़्यादा ध्यान दे रहे थे साइकोसोशल डेवलपमेंट पर। उन्होंने कहा कि लाइफ डज नॉट मेक एनी सेंस विदाउट इंटरडिपेंडेंस, वी नीड ईच अदर एंड द सूनर वी लर्न दैट द बेटर फॉर अस ऑल। लाइफ जो है वो दूसरों की बजाय खुद पर ज़्यादा डिपेंड करती है, ज़्यादा सेंस होती है, और धीरे धीरे सब जन इस चीज़ को बहुत बेटर तरीके से सीख जाते हैं। सबसे पहले उन्होंने 8 स्टेजेस दी थी। फर्स्ट थी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, सेकंड ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, थर्ड है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इनफेरिटी, आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन एंड इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। एरिक्सन ने मेंटेन किया था कि पर्सनालिटी डेवलप होती है प्री डिटरमाइंड ऑर्डर में, और ये जो 8 स्टेजेस है इसको पार करके साइकोसोशल डेवलपमेंट होता है इन्फेंसी से लेके एडल्टहुड तक, मतलब बच्चा जब स्टार्टिंग से जब डेवलपमेंट उसमें होता है तो इन 8 स्टेजेस से होते हुए उसमें डेवलपमेंट होता है। द पर्सन एक्सपीरियंस साइकोसोशल क्राइसिस, पर्सन एक्सपीरियंस करते हैं साइकोसोशल क्राइसिस जो कि उसके लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के आउटकम कराता है, और इसी के बेसिस पर किसी भी व्यक्ति में पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है। अगर पॉजिटिव आउटकम निकला तो उसके लिए वो एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट रहेगा, वहीं नेगेटिव आउटकम निकलता है तो उसी में वो गलत चीज़ों की तरफ जाता है। जैसे फर्स्ट था ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, तो अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है तो उसमें ट्रस्ट की भावना उत्पन्न होती है, हर किसी पर ट्रस्ट करेगा, लेकिन अगर वहाँ पे नेगेटिव आउटकम निकलता है तो वो हमेशा दूसरों पर मिसट्रस्ट दिखाएगा, हमेशा एवरी टाइम। तो यही है पर्सन के एक्सपीरियंसेस की वजह से ही, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव आउटकम की वजह से ही उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है। वहीं नेक्स्ट बात देखें तो सक्सेसफुल कम्प्लीशन के लिए हर एक स्टेज जो है उसका हेल्दी पर हर एक स्टेज का कम्प्लीशन होना, हेल्दीली कम्प्लीशन होना हेल्दी पर्सनालिटी को डेवलप करता है। वहीं वो बेसिक वर्च्यू सीखता है, उसमें एक्विसेंट होते हैं, लेकिन वहीं अगर पॉजिटिव ना हो के कुछ चीज़ें नेगेटिव में होता है तो वो अनहेल्दी पर्सनालिटी क्रिएट करता है। अब जैसे हम देख रहे हैं स्टेज 1 की एज होती है 0 to 1.5 years, जिसमें मेन वर्च्यू होता है होप, और फीडिंग की जो प्रोसेस होती है अगर वो अच्छे से होती है तो उसमें होप या ट्रस्ट की भावना क्रिएट होती है, और अगर फीडिंग हैबिट अच्छे से नहीं होगी तो वो मिसट्रस्ट की तरफ जाता है। वहीं स्टेज 2 होती है 1.5 years to 3 years, जब टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है बच्चों को, अगर टॉयलेट ट्रेनिंग अच्छे से दी तो उसमें विल पावर जो है वो एक्विजिट होता है। वहीं थर्ड स्टेज 3 to 5 years की, जो एक्सप्लोरिंग का होता है, दूसरों से मिलवाना कर और बच्चों को आप कैसे इंट्रोड्यूस करा रहे हो वो सब आता है, अगर पॉजिटिव फीडबैक रहता है तो पर्पसफुली वो अपनी लाइफ में कुछ कर पाते हैं। वहीं फोर्थ स्टेज है 5 to 12 years की, जिसमें स्कूल और स्पोर्ट्स में किस तरीके से बच्चे को ऑब्जर्व होता है या किस तरीके से उसको एक्सपीरियंस वहाँ पे मिलते हैं उसके हिसाब से वो कंपेटेंसी उसमें डेवलप होती है। वहीं फिफ्थ है 12 to 18 years, जिसमें सोशल रिलेशनशिप्स जो हैं आसपास के रिलेशनशिप वो ध्यान ज़्यादा मायने रखते हैं, अगर रिलेशनशिप्स अच्छे रहते हैं तो फिडेलिटी की भावना क्रिएट होती है। वहीं सिक्स्थ स्टेज है 18 to 40 years में, जहाँ रिलेशनशिप्स मायने रखते हैं, यहाँ पे लव वाली फीलिंग आती है अगर सब अच्छा रहा तो। यहाँ पे हम देखते हैं कि यहीं पे इसी एज में मैरिज का भी प्रावधान है, और अगर उनके रिलेशनशिप अच्छे रहते हैं तो सारी चीज़ें सारे ऑब्जर्वेशन अच्छे रहेंगे। वहीं सेवन्थ स्टेज है 40 to 65 years की, यहाँ वर्क एंड पेरेंटहुड की भावना आती है, यहाँ पे हम काम करना शुरू कर देते हैं कोई भी व्यक्ति,
और साथ ही साथ में अपने बच्चों की केयर करना स्टार्ट करते हैं। अगर ये सारी चीज़ें अच्छी रहती हैं तो वो केयर करना सीखते हैं, नहीं तो उनमें 65 ईयर्स है वो कि जहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम देखते हैं कि हमने एक्चुअली इस टाइम पे अधिकतर वर्क से कंप्लीट हो जाते हैं, बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, उनकी शादी हो जाती है, फिर हम देखते हैं कि हमने कैसा जीवन जिया। अगर पॉजिटिव चीज़ें रहती तो हम विजडम की भावना उत्पन्न होती है। सो ये थी साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी जो कि इरिगेशन के द्वारा दी गई है। आई होप आपको समझ में आई हो। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी। सो थैंक यू फॉर नाउ, बाय बाय।